हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और हम लोग आ चुके हैं, रिकॉर्डिंग का काम भी हो रहा है तो बहुत पीछे चल रहा है हम लोग तो के दूर में वहाँ तो कोई रास्ता नहीं जा सकती है गाड़ी लेके। लगभग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के द्वारा जाना पड़ता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये है कि मतलब एक नया नदी से एक नया बांध निकाल रहा है जो अभी तक कार्य पूरा हुआ नहीं है, तो शायद वहाँ अभी बहुत लंबी सफर कार्य प्रगति पे है। और जो हम लोग हैं अभी बैठे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इधर 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 बांध के साइड बैठे हुए हैं, इधर बांध के साइड, और इधर ये हम लोग के बैकग्राउंड में बांध है जो अभी हम लोग चलेंगे उधर खेत खलियान के तरफ बोल रहे हैं। और जो है गाइस, आप लोग देख सकते हैं आ रहा है वो भैंस है, और जिसके आगे अभी हम लोग लेके जाएंगे बीम और बजाएंगे नागिन डांस। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। तो आजकल भाई देखो, इस बात को गलत साबित कर दिया गया है। एक आदमी ने किया था कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रे अपा गुरा है, तो ये गलत बात है। कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है तो छटपटाएगा, नेंगड़ी डोलाएगा, कान हिलाएगा, लेकिन उसको कुछ फीलिंग आता है कि डांस हम भी करें। नहीं तो आप किसी दिन दिखाएंगे तो भैंस जरूर यार थोड़ा सा मूड में आ जाता है भैंस, बिल्कुल ही नहीं कि बिल्कुल शुद्ध मांस रहेगा, ऐसा नहीं है। भैंस का लक्षण कान हिलेगा दोनों फर, नेंगड़ी हिलेगा, गर्दन हिलेगा। तो भैंस के आगे बीन बजा, भैंस भी सब समझे। और भाई जी आप देख सकते कितना खूबसूरत जगह है यहाँ। वैसे हम लोग नेचुरल चीज़ दिखाते हैं, नेचुरल चीज़ तो आपको पता ही होगा कितना। तो गाइज अभी जो आपको बता रहे थे कंस्ट्रक्शन का जो काम था, मतलब नदी एक उसको नदी के साथ जोड़ा जाता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दूर होने के कारण आप देख सकते हैं अभी तो काम अभी वहाँ बिल्कुल रुकी हुई। वो नदी आकर नदी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी बांध। तो गाइज इसके बारे में कुछ बताओ, अगर तुमको कुछ टिप्स पता है तो। कौन सा धान है ये? है कतरनी धान। इसको अभी देखिए गाइज लोग, आप लोगों को एक दिखाते हैं अजूबा, इसमें से एक जो है वो बताते हैं हम कि इससे कैसे पता करना है कतरनी धान की ये कैसे है या नहीं है, है ना? देख के पता नहीं चलता है? नहीं, देख के तो सारा छोटा ही रहता है, जितना कतरनी धान होता है सब छोटा ही होता है, छोटा कतरनी, और क्या बोलते हैं संभा, और क्या क्या कौन कौन सा धान, बहुत तरह का धान होता है, लेकिन वो सब छोटा होता है। इसमें देखो गाइस लोग कि क्या है, इसको एक को निकालेंगे ऐसे छिलका, और छिलका निकाल के इसका चावल निकालेंगे और इसको खा जाएंगे। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और गाइस अब देख सकते हैं बहुत स्वादिष्ट है, जैसा कि आपको स्वाद लग रहा होगा, आपको शायद सेंट महक जरूर गया होगा कुछ भी, तो समझ जाइए कि मतलब कहीं भी कतरनी दान है। जहाँ पे नहीं समझ में आए आप हमें बुलाइए और फिर हमें से चेक करवाइए, फिर देखिए अगर नहीं निकला कतरनी दान तो फिर बुलाइए। तो सारा धान इस जो धान होता है काफी, इसका हाइट जो होता है अभी पता नहीं है, बहुत लंबा होता है, मेरे जितना लंबा होता है, और आई मीन 2 से 1.5 से 2 मीटर लगभग हाइट होता है, जिसके कारण ये धान पकने के बाद बिल्कुल खेतों में दब जाता है, लंबा होने के कारण ये झुक जाता है। तो गाइज और ये सब छोटा धान होने के कारण ये सब खड़े रहता है भरगोता। और इसका जो चूड़ा बनता है गाइज लोग, हाँ इसका चूड़ा बहुत फेमस है, तो जब ये धान कटेगा तो चूड़ा कुटाई होगा, चूड़ा के साथ केला और दूध, कतरनी केला नहीं, कतरनी धान के साथ केला और दही, और उसके बाद जो खाइए गाइस ठंडी के मौसम में लपालप दम मजा, और उसमें बुनिया डाल के, हाँ बुनिया डाल के, बुनिया वो भी बिहार शरीफ वाला बुनिया जो होता है, काफी फेमस है वहाँ की बुंदिया। एंड यहाँ की जो मेन खेती जो होता है वो धान का ही होता है, तो यह काफ़ी मात्रा में धान की खेती होती है। इसके बाद
अब हम लोग आ चुके हैं मिर्ची के खेत पे और आप लोग देख सकते हैं कितना मिर्ची है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पक पक के लाल हो गया है सारा, यहाँ पे सब सब मिर्ची पक गया है, यहाँ पे एक भी हरा नहीं है ना। हाँ एक भी मिर्ची नहीं है ना यहाँ पे, देख सकते हैं गाय लोग आप। और कितना यहाँ पे बैगन वगैरह है, यहाँ पे ये बैगन भी है यहाँ पे, जब भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वाइट बैगन, वाइट बैगन। और फिर जो है यहाँ पे भी बैगन है। और ये मिर्ची कब तोड़ते हैं मिर्ची? हाँ मिर्ची वो जो मेला कब लगता है? किस बात? वो अप्रैल में तोड़िएगा जाके, तब जो है अप्रैल में लगी है। एंड तो इसका मतलब कि यहाँ धान की मतलब कितना बार अभी तक में, अभी अभी तक कितना बार में तोड़े हैं इसको? यह पांच मरतबा मतलब मिर्ची टोटल टूट चुका है और मार्केट मतलब जा चुका है, पांच बार मिर्ची की टूटाई हो गई है। एंड यहाँ तो काफी मात्रा में देख सकते हैं, उधर उस साइड भी मिर्ची की खेती लगी हुई है। तो आई मीन यहाँ कह सकते हैं कि धान की खेती तो बिल्कुल नहीं हुई होगी क्योंकि मिर्ची लगभग यहाँ अप्रैल में ही लगा है। एंड लगभग 5 से 6 महीना पहले तो 5 से 6 बार मतलब मिर्ची की तुड़ाई भी हो गई है। एंड गाइज हम लोग अब जहाँ जाने वाले, जो कंस्ट्रक्शन बताए थे कि यहाँ पर नदी खुदाई हो रही, तो वहीं पर हम लोग अभी पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे। मतलब वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ गया, जो कि बहुत दिन तक काम चला था इस बांध खुदाई का। तो अभी शायद कार्य रुकी हुई है, कार्य प्रगति पे है। एंड आपको दिखा सकते हैं अभी भी लगभग 1/2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो जाने में भाई काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही क्योंकि यहाँ कोई रास्ता भी नहीं, तो खेत के पगडंडी देके हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मतलब मिर्ची की खेती हुई है, मिर्ची बैगन मूली अदरक है। तो गाई जी यहाँ पर देख सकते हैं का मतलब कितनी लंबी लाइन लगी औरतों की, ये लोग धान काटने के लिए मॉर्निंग में लगभग 8 से 9 बजे निकल जाती है अपने घरों से एंड शाम में फिर आती है। उसकी जो कुल कमाई का जो कमाई होती है वो 150 रुपया होता है, 150 रुपया में आई मीन लगभग 10 घंटा खेतों में काम करना बहुत बड़ी बात है यार। खेतों की जो पगडंडी है वो भी बहुत गीली और पतली है और इस पर भी पानी आप देख सकते हैं। जो यहाँ खेतों में देखो अभी तक पानी, यहाँ पर गड्ढा होने के कारण कुछ खेतों की जो मिट्टी होती है वो मतलब कोई अगर किसी को मिट्टी की ज़रूरत होती है तो दूसरे के खेतों से उठवा के ले जाते हैं, जिसके बाद वो खेत बिल्कुल गड्ढा हो जाता है और वहाँ खेती शायद इस प्रकार होती है। बिल्कुल धान लगी हुई है लेकिन पानी से भरा पड़ा है, तो ये खेती तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बर्बाद हो गई फसल, शायद इसकी कटाई भी नहीं होगी। धान भी काफ़ी कम मात्रा में हुआ है, बिल्कुल रास्ता नहीं था उधर से आने का। एंड हम लोग अब दूसरे रास्ता की तरफ से जाएंगे। तो ये यही कंस्ट्रक्शन है देख लो, मतलब काफ़ी बिल्कुल चौड़ी नदी के तरफ खुदाई हो रही है, जिसको हम लोग एक बांध बता रहे थे। वो दरअसल बांध नहीं है, ये एक विशाल नदी है। तो गाइस उधर जाने का आई मीन कोई रास्ता नहीं है तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, आपको हम लोग यहीं से दिखा रहे हैं। ये काफ़ी चौड़ी नदी है, काफ़ी चौड़ी है। एंड ये तो नहीं पता कि ये बांध मतलब आगे जाके शायद इसी रास्ते से ऐसे होके आगे इधर जाएगी, इधर तो खेती हुई है, इधर कहाँ जाके जोड़ेगी ये तो नहीं पता है।
जहाँ भी जोड़ेगी मतलब बहुत सारा जमीन हड़प रहा है ये खेत। जहाँ भी जोड़ेगी दिल को ही जोड़ेगी। हाँ और कितनों का दिल टूटेगी। और अब हम लोग चल रहे हैं गाइस स्कूटी के पास, बहुत दूर चल के आए हैं हम लोग, कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चल के आए यहाँ पे। और ये सिर्फ ये बांध के वजह से, और जो कि आप लोगों को दिखा चुके हैं वो बांध और उसके बाद यहाँ पे धान वान का खेती हो रहा है। अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे धान वान का खेती हो रहा है। तो और जाके बांध अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रोसेसिंग में है, अभी कंप्लीट होना है उसको, उसका काम अभी रुका हुआ है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि हमारा चैनल का नाम है SP ब्लॉग। नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय।